इतना बड़ा लॉन है, इतना अच्छा नजारा है यहाँ का। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ सुरेश शर्मा नगर चौराहे पर, जो कि कनेक्ट करता है भाई पीलीभीत रोड को। और दोस्तों यहाँ से हम लोग ब्लॉक की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं बरेली का रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज रोड, और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज भी दिखाऊंगा, रास्ते में जो पड़ेगा वो दिखाऊंगा सारा सब चीज़ें। तो दोस्तों ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो दिखाता हूँ आपके लिए बैक कैमरे से कि कैसा है ये सुरेश शर्मा नगर चौराहा और नाइट व्यू यहाँ का कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये चौराहा है पूरा, और काफ़ी बड़ा चौराहा है। यहाँ पर मंदिर भी है, और यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये नज़ारा है यहाँ का, और काफ़ी अच्छा व्यू है। दोस्तों देख सकते हैं ये रोड गया हुआ है पूरा बरखंडिया मंदिर के लिए, और ये चौराहा है। तो दोस्तों यहीं से हम लोग ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पुलिस बल जो है हमारे साथ हमेशा रहता है, देखिए पुलिस भी खड़ी हुई है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे लाइटिंग वगैरह कैसी है, और नज़ारा यहाँ का देखिए। और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज हम लोग जा रहे हैं इस रोड से, और एक रास्ता ये भी गई हुई है यहाँ पर। देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ नज़ारा है, और देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का नाइट व्यू। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर खुले हुए हैं छोटे छोटे, और देखिए संस्कारी गार्डन है यहाँ पर एक, ये लॉन है काफ़ी बड़ा। देखिए दोस्तों कितना अच्छा, और लाइट्स वगैरह देखिए दोस्तों लगातार सारे पोल पर जल रही है। तो कभी भी आप नाइट में यहाँ पर घूमने आएंगे तो काफ़ी अच्छा नज़ारा मिलेगा। पीएनबी बैंक आपको मिलेगी, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक, मतलब सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी यहाँ पर देखिए दोस्तों। और राइट हैंड साइड पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह पड़ी हुई है, प्लॉट बनने के लिए पड़े हुए हैं। बाकी आप पीछे देख सकते हैं क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप है। ये ए टू जेड ब्रांड स्टोर खुला हुआ है, और परांद्रा करके है, ये मनोकामना मंदिर है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। और ये देखिए दोस्तों बिल्डिंग, ये फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पर। तो माधवराव पब्लिक स्कूल भी यहीं पर है। और लाइटिंग जो मेन चीज़ है यहाँ की, लाइटिंग जो अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग तरीके से लगाई गई है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों देखिए ये होटल है यहाँ पे, कल्पना होटल, देखिए दोस्तों होटल है, और सस्ती प्राइवेट है। तो ये देखिए बेदी इंटरनेशनल स्कूल भी है यहाँ पर इस हाथ पर, देखिए काफ़ी अच्छा सब कुछ है यहाँ पे। होटल एक ये है, कितना बड़ा और कितना देखिए कितना ऊंचा होटल बना हुआ है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, पूरा फ्लैट वैलेट बने हुए हैं। और कभी भी आप रात में आएंगे यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनी हुई है यहाँ पर, देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था करी हुई है, काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पर, और कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये। ये आगे डेंटल कॉलेज दोस्तों बरेली में, कभी भी अगर आप आएँ और अगर आप बोलते हैं डेंटल कॉलेज जाना है तो आपको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। ये है विद्या भवन पब्लिक स्कूल, जय नारायण स्कूल की ये रास्ता गई हुई है, तो बहुत प्रसिद्ध है बरेली में। तो उसके जस्ट सामने आपको मिलेगा डेंटल कॉलेज, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके सामने आपको SBI का ATM भी मिलेगा दोस्तों। इसी तरह कुछ नज़ारा है यहाँ पर, और इसी के पड़ोस में आगे चल के आपको क्या कहते हैं BDA का जो कॉलोनी काटी है वो मिलेगी। और देखिए होटल वगैरह बने हुए हैं, और ये लॉन है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव क्लब करके एक लॉन है यहाँ पर, यहाँ पे शादी बारातों का फंक्शन होता है। और ये कॉलोनी है देखिए दोस्तों, कॉलोनियाँ भी हैं साइड में बनी हुई, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये पूरा जो आप ये बिल्डिंग दिख रही है साइड से, ये पूरा रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे काफ़ी दूर से स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए। ये होटल आ गया एक, तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ घूमते हुए मुझे भी। और हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के, तो काफ़ी दूर से स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज का, देखिए दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है ये बरेली में, काफ़ी शान मानी जाती है बरेली में रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज को। तो इसी तरह से कुछ नज़ारा है यहाँ का, और काफ़ी अच्छा है देखिए दोस्तों। तो ये रास्ता चला गया है रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के लिए, और हम लोग ये देखिए कॉलोनी है, और इससे आगे चले जाएंगे तो ये
बिजपुरी एक जगह पड़ती है, वो पड़ जाएगी, पहाड़गंज पड़ जाएगा और रामगंगानगर योजना पड़ जाएगी। और ये यहाँ से जो है ब्रिज का निर्माण होता है, ये देखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहीं पे ब्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल।